अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम शख्स खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं जो कि इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपके साथ क्लियर कर दिए जाएंगे। हो सकता है आप लोगों ने भी यही सवाल पूछना हो जो कि आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर दो। सबसे पहला सवाल यह है कि सर FER1 का पेपर कब होगा? जितने भी तालिबे इल्म हैं FER1 और FER2 वाले, उसके अंदर BA BCom BS BEd वाले जो तालिबे इल्म होंगे उनके पेपर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो तालिबे इल्म हैं मास्टर वाले और उसके अंदर FER1 और FER2 आया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, तो उनके पेपर आपके 2 नवंबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो अगली है कि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं BS इंग्लिश के 4th सेमेस्टर के, तो BA BCom AD BS BBA ADE इनके जो इम्तिहानात हैं वो यूनिवर्सिटी 15 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रही है। और इसके अलावा MA MSc MEd MCom और MA एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम और जो डिप्लोमा हैं उनके इम्तिहानात जो हैं यूनिवर्सिटी 2 नवंबर से स्टार्ट कर रही है। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है कि प्लीज़ गाइड कर दें मेरा BA सेकेंड सेमेस्टर की बुक ICT को हम उर्दू में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 14/31 की जो किताब है उसकी आप पेपर उर्दू के अंदर दे सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट इंग्लिश के अंदर जमा करवाई है फिर भी आप पेपर उर्दू के अंदर दे सकते हैं, और अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं भी करवाई फिर भी आप उसका पेपर जो है उर्दू के अंदर दे सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि वो तालिबे इल्म या वो सब्जेक्ट जिनके उर्दू के अंदर की बुक्स होती हैं उनका पेपर आप उर्दू के अंदर दे सकते हैं, बगैर किसी से पूछे बगैर किसी को बताया पेपर उर्दू के अंदर दे सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हाफ पेपर इंग्लिश और हाफ पेपर उर्दू के अंदर नहीं देना, या मुकम्मल पेपर उर्दू के अंदर करना है या मुकम्मल पेपर आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर करना है। इससे अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि हमारा AIOU ऐप सर्वर लॉग इन नहीं हो रहा। ये पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है कि जिन्होंने फ्रेश एडमिशन करना है वो भी ओपन नहीं हो रहा, जिन्होंने कंटिन्यू एडमिशन करना है वो भी ओपन नहीं हो रहा, ना CMS ओपन हो रहा ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो इसके हवाले से मेरी पुरानी वीडियोस भी मौजूद है कि अक्सर कास्ट ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी कुछ अपडेट ले जाना चाहती है जिसकी वजह से सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये तमाम तालिबे इल्मों के पास ये इशू आ जाता है, तो ये 2-3 दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। अभी मेरे ख्याल में इशू मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है, अभी आप कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर लेंगे। इन फ्यूचर भी अगर बंद हो जाता तो वो कुछ ही टाइम तक वो दोबारा ओपन कर दिया जाता है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके हवाले से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपडेट आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।